चुराटा थाना अंतर्गत करहिया में आज सुबह दो युवकों ने घर के बाहर झाड़ू लगा रही महिला से अस्पताल का पता पूछने के बहाने गले से सोने की चैन खींच ली और मौके से फरार हो गए। सुबह सवेरे रीवा के करहिया नंबर 1 में अस्पताल पूछने के बहाने दो युवकों ने घर में झाड़ू लगा रही महिला के गले से सोने की चैन खींची और मौके से 9-2-11 हो गए। महिला सहित महिला के परिजन पहुंचे रीवा के चौराहा थाना, घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। हमारी टीम ने महिला से बात की। महिला का साफ तौर से कहना था, वह सवेरे उठकर घर में झाड़ू पोछा कर रही थी। उसी दौरान घर के बाहर एक मोटरसाइकिल में दो लड़के आकर खड़े हुए, थोड़ी देर खड़े रहे। उसके बाद एक लड़का घर के अंदर आया, उससे अस्पताल का पता पूछा। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। उसी दौरान उसने मेरे गले में झपट्टा मारकर मेरी 1 तोले की सोने की चैन लेकर फरार हो गया, जिसकी कीमत लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये के बीच होगी। इसी दौरान महिला जोर से चीखी चिल्लाई, घर में सारे लोग सो रहे थे। महिला की आवाज़ सुनकर जब तक पूरा परिवार बाहर निकलता, चोर मौके से फरार हो चुके थे। अभी तक हमने सड़क में टहलते हुए लोगों के गले से कान की ज्वेलरी, गले के चैन की लूट सुनी थी, लेकिन घर के अंदर घुसकर महिला के गले से सोने की चैन खींचने का यह रीवा में पहला मामला हो सकता है, माना जा सकता है। रीवा में इस समय चोरों के हौसले काफ़ी बुलंद हैं। चोरों की दिलेरी की दाद देनी पड़ेगी। घनी आबादी वाला रीवा का करहिया नंबर 1, वहाँ इस तरीके की वारदात, सुबह सवेरे घर के अंदर से महिला की चैन खींचकर भागना, साफ तौर से जाहिर करता है चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं। जिस महिला के गले से सोने की चैन खींची गई, सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। हम आपको वो भी सुनाएंगे, वो भी बताएंगे, लेकिन हम आपको बता दें, रीवा के चुराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत करहिया नंबर 1 में आज सुबह 7 बजे आंगन में झाड़ू लगा रही महिला की गले से दो अज्ञात युवकों ने चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया है। लगभग 1 तोला चैन लेकर हुए दोनों रफू चक्कर। महिला से हमने बात की, उनका कहना था अस्पताल पूछने के बहाने हमारे घर के अंदर आए थे, काफ़ी देर तक घर के बाहर खड़े रहे। महिला का नाम निर्मला सिंह बताया गया है। इस घटना को दो युवकों ने अंजाम दिया है। रीवा के करहिया नंबर 1 चुराटा थाने का ये पूरा मामला है। ये घनी आबादी वाला मोहल्ला है। इस तरीके की घटना यहाँ पर अंजाम देने का सीधा सा मतलब है, चोरों के हौसले काफ़ी बुलंद, उनको किसी का भी कोई खौफ नहीं, अपने पकड़े जाने का भी उन्हें डर नहीं था, शायद इसीलिए उन्होंने इस इलाके को चुना। घर के बाहर काफ़ी देर तक वो खड़े थे, इसी दौरान उन्होंने देखा महिला घर में अकेली है, बाकी घर का कोई भी दूसरा सदस्य नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने महिला को अकेला देखकर अपना निशाना बनाया, महिला के घर के अंदर प्रवेश किया, महिला से अस्पताल के बारे में बातचीत की। इसी दौरान एक जोरदार झपट्टा, हाथ में महिला के गले की चैन और मौके से 9-2-11 हो गए। सुनिए महिला का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? निर्मला से। क्या घटना हुआ? मेरा एक चोर आए, दो लोग रहे थे बाइक से, उस तरह खड़े रहे थे, मेरा चैन छीन के चले गए। हम यहाँ सब तरह झाड़ू लगा डाले, फिर हम अंदर आ गए। तब बोले कि वो मैडम हॉस्पिटल चौधरी हॉस्पिटल कहाँ पे है, हम कहे हमको नहीं मालूम है। तो बस मेरा चैन खींचा और भाग दिया, हम गुहार मारे बगैर कोई नहीं था। कहाँ से आए थे? दो बाइक से रहे थे। कितने बजे घटना है? ये 7 बजे, 7:30। आप क्या कर रहे थे उस समय? तो झाड़ू लगा रहे थे। आपके घर में शादी थी? है? शादी थी पहले? हाँ शादी थी, 15 फरवरी की थी शादी। कौन सा थाना लगता है? ये चुराहटा थाना। ये कहाँ, कौन सा एरिया? एक करहिया नंबर 1। आपको पता नहीं, बाद में आप लोग पीछा किए? कोई नहीं गा, कोई रहे बा नहीं भा, तो कोई नहीं गा। घर में कोई और? सब सो रहे थे। सुबह 7 बजे हम घर मारे पे मगर कोई नहीं निकला, जब निकल गए, जब निकले हैं सब लोग। कितने ग्राम की है? हमारा 1 तोला का था। लगभग कितने की होगी? आज 50-60 हज़ार का तब होगा। हाँ।